आप भाई आप मेरे साथ आ जाओ यहाँ पे साथ बस ऐसे अब ऐसे ना करो सीधे ऐसे बनाओ ऐसे करके ऐसे नहीं ऐसे पलट करो भाई चलते चलो ऐसे चलेगा नहीं ऐसे बीच बीच में मत करो यार बस ऐसे बनाओ चलो धीरे धीरे चल चल चलो चलते चलो आप निकल जाओ कौन सुराना जी आप एक मिनट पीछे भी देखते आएंगे इनको फिर आप लेट तो पहले निकालना चाह रहे थे हम लोग लेकिन हालात को देखते हुए हमने थोड़ा सा ये हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है शहीदों का ये कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ और हमको क्या पूरे हिंदुस्तान को अफसोस है इस चीज का कि जो ये सब कुछ हुआ और ये ऐसा होना नहीं चाहिए
मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा है, एडिशनल चीफ वार्डन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे जो हमारे सैनिक हैं उनका मनोबल गिरता है। हम चाहेंगे कि ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रामानुजम चीफ वार्डन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। ये जो हुआ है ये किसी भी देश में, पूरे विश्व में, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अमन और शांति चारों तरफ होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो मर्जी देश हो, पाकिस्तान में भी ये नहीं होना चाहिए। मेरा यही प्रार्थना है, यही मेरा रिक्वेस्ट है सभी। Let's go!
वो सारे। अरे यहाँ नहीं लगा यहाँ नहीं। सर आप अपना वेट करें ना एक मिनट इनको। हमारे वीर जवान, भारत माता की जय। भारत माता की जय। नाम बताइए अपना। ये बताइए आप कितने सालों से इस विभाग में काम कार्यरत हैं? हुआ है शहीदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शहीदों के लिए तो हम सर कैमरे के और हम उनके परिवारों का पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से क्योंकि ये पिछले रखी है जब से देश की बात लड़ी गई उसके अंदर बहुत ज्यादा इस बात को लेके जहर है उसके अंदर। हमारा फर्ज बनता है सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि वो सख्त से इस बारी किसी हालत में भी इनको लीनियन सी ना करे और सख्त से सख्त एक्शन ले। कुछ एक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट वार करने में बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत इंजाम करने पड़ते हैं, आप वो अभी फिलहाल एकदम तुरंत नहीं कर सकते हैं, तो बहुत हार्ड स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। दिल्ली नागरिक सुरक्षा के कई जिले हैं आपके दिल्ली के अंदर, ये पहल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मध्य जिला ने पहल करी है, तो आपको लगता है कि और जिलों में इस तरह का कैंडल मार्चिंग करेगा आपके डिपार्टमेंट का? मैं समझता हूँ सभी जिलों में कर रहे होंगे अरेंजमेंट, किसी ने निकाल दिया होगा, किसी का चल रहा होगा, लेकिन हमारे जिले का तय होते हैं, हमारा जिले सेंट्रल जिले का, मध्य जिले का, नागरिक सुरक्षा मध्य जिले का आज ये कैंडल मार्च हमारे शहीद जवानों की को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला गया। क्या नाम है आपका? मैं भावना। भावना ये बताइए आप ये पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसके श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, आप क्या पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमें कमजोर ना समझे, चाहे आपने ये कर दिया लेकिन हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और साथ ही साथ मेरा मोदी जी से संदेश यही है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो उसके लिए कड़ी सख्ताई से इसको पेश किया जाए ताकि और तुरंत इसको पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नाम बताइए अपना। इमरान, इमरान आलम। इमरान जी ये बताइए इस समय वाघा बॉर्डर पर करीब 200 से 250 ट्रक पाकिस्तान के खड़े हैं और भारत में उसका शुल्क 200% कर दिया गया है, इस बारे में मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक किया गया है, पाकिस्तान से जो भी इंपोर्ट्स हो रहा है उसके ऊपर 200% से और ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए इंपोर्ट ड्यूटी में, और पाकिस्तान से जो भी संबंध है भारत को अपनी कूटनीति के हिसाब से उन संबंधों को एक बार सोचना चाहिए, जो कॉन्सुलेट से हमारे रिलेशन है पाकिस्तान से उसके बारे में भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। हो गए हैं वे वापस नहीं आ सकते, उनके घरों से पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए और आज समस्त देशवासियों से पूछिए कि उनका हृदय जो है कितना विदारक हो रहा है। सुनील कुमार सुराना। क्या कहना चाहते हैं आप? श्रद्धांजलि सभा आप यहाँ पे लेके आए, श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप शहीदों को, क्या कहना चाहेंगे? जो जवान 42 शहीद हुए हैं हम उनके और उनके परिवार के प्रति
हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, किंतु भारत के अंदर में रहने वाले 125 करोड़ जनता का भी भावभीनी श्रद्धांजलि का भाव आप देखने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सारे लोग उनके सहयोग में खड़े हैं और हम निवेदन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि तुरंत इस चीज़ पर कार्यवाही करें और भारत में सुख चैन और अमन बना रहे, किसी के द्वार पर ऐसा मातम न आए। मोदी जी से ये चाहते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और इस चीज़ की रोकथाम हो। कार्रवाई ये होती है कि अगर उन्होंने इस तरह की दुर्घटना हमें अंजाम दी है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। उसके अंदर में हमारे भारत के सारे लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं मोदी जी से? ये जो आतंकियों ने जो हमला किया है उस पर तुरंत रोकथाम हो और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। धन्यवाद।